नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SIP और म्यूचुअल फंड दोनों में क्या डिफरेंट है। ले दोनों का डिफरेंट समझने के पहले हम एक एक करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि SIP क्या होता है और सेकंड म्यूचुअल फंड क्या होता है। क्योंकि जब तक हम SIP और म्यूचुअल फंड को दोनों फंड को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो हम दोनों की बारीकियों को भी समझ नहीं सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं SIP क्या है। SIP एक सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके अंदर आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह पर कई वर्षों तक जमा करते हैं और जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उसी पर आपको SIP के द्वारा एक अच्छा खासा रिटर्न एक समय पर मिल। SIP के अंदर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब यह होता है कि जो आप थोड़ा थोड़ा पैसा कई वर्षों तक जमा करते रहते हैं रेगुलरली, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपका बना हुआ होता है उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पैसे जितने आप कई सालों तक जमा करते हैं उसके ऊपर आपको लास्ट में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। SIP के अंदर जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रीमियम के ऊपर भी आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। इसको हिंदी में बोलते हैं सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सेकंड हम देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक पर्याय है जहां पर आप अपना पैसा लगाकर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। वो फंड मैनेजर उस सभी के थोड़े थोड़े पैसे को जो इकट्ठा हुआ पैसा होता है उसे वो इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को और पैसा बना करके आपको रिटर्न देते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। तो अभी आपने ये समझ ही लिया होगा कि SIP भी म्यूचुअल फंड का ही एक अंश है जहां पर म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको एकमुश्त पूरा पैसा जमा करना होता है, फिर वो एक लंबे समय तक जमा रहता है और फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपको एक उस पैसे का और पैसा बना करके देते हैं। SIP में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को भी फंड मैनेजर अलग अलग फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जो आपको इंटरेस्ट मिला हुआ होता है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे करके आपके उस पैसे को भी वो एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके देते हैं। मूल रूप से दोनों का काम एक ही होता है कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न दें, लेकिन म्यूचुअल फंड में एकमुश्त आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, SIP में आपको टुकड़े टुकड़े में पैसा जमा करना होता है। तो ये म्यूचुअल फंड और SIP दोनों के प्रकार्स होते हैं। जैसा कि आपने इन दोनों के बारे में बारीकी से चीज़ों को समझ लिए होंगे। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP किसी के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके फंड्स होते हैं जो मार्केट के रेटिंग के अकॉर्डिंग जो अभी अच्छे रिटर्न्स देने वाले कुछ फंड हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। म्यूचुअल फंड और SIP के 6 ऐसे फंड हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
वो फंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी डिटेल्स बता रहा हूँ। अगर आपको ये फंड के बारे में है जानकारी और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। नंबर एक पर है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, इसकी भी रेटिंग 5 है इस फंड की, और इसमें इक्विटी फ्लैक्सी कैप में का इन्वेस्टमेंट होता है और पिछले 5 साल का अगर हम इसमें रिटर्न देखें तो 20.26% का इस फंड में रिटर्न्स रहा है। सेकंड एक्सेस मिड कैप फंड, इसकी भी 5 रेटिंग है इस फंड की और ये इक्विटी और मिड कैप में इनका इन्वेस्टमेंट होता है और पिछले 5 साल का इनका रिटर्न है 20.39% का। थर्ड कैनरा रैपको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसका भी 5 रेटिंग है इस फंड की और ये इसका भी सेगमेंट है इक्विटी लार्ज कैप। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 18.02% का इसका भी रिटर्न रहा है। फोर्थ नंबर पर है यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड, इसकी भी 5 रेटिंग है इस फंड की और इसका भी इक्विटी फ्लैक्सी कैप में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है और पिछले 5 साल में 17.6% का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। फिफ्थ नंबर पर है डीएसपी फ्लैक्सी कैप फंड, इसकी 4 रेटिंग है और इक्विटी फ्लैक्सी कैप का इसका सेगमेंट है और इसने भी पिछले 5 साल में 18.15% का रिटर्न दिया है। सिक्स नंबर पर है एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसकी भी 5 रेटिंग है और इक्विटी लार्ज कैप सेगमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है और पिछले 5 साल में 17.57% का इस फंड ने भी रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आगे भी आपको इस तरीके से जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड। धन्यवाद।